कोरोना वायरस के खतरे ने शेयर बाजार में कोहराम मचा दिया है। गुरुवार को भारतीय शेयर बाजारों में एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 3160 अंकों से ज्यादा गिर गया। निफ्टी ने भी 9600 अंक के अहम स्तर को तोड़ दिया। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना को महामारी घोषित कर दिया है। उसके बाद अमेरिका से लेकर यूरोप तक शेयर बाजारों में गिरावट देखने को मिली। भारतीय बाजार भी इससे अछूता नहीं रहा। सेंसेक्स 2919 अंक गिरकर 32778 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 868 अंक गिरकर 9590 पर बंद हुआ। अंकों के मामले में सेंसेक्स में एक दिन में ये सबसे बड़ी गिरावट रही। सेंसेक्स में सबसे बड़ी गिरावट करीब 12 साल पहले 2008 में आई थी। इस बार सेंसेक्स 9% के करीब जा चुका है और ये गिरावट 2008 के बाद सबसे बड़ी है। 2008 में एक वक्त ऐसा आया था जब सेंसेक्स में लोअर सर्किट लग गया था। 24 अक्टूबर 2008 को कारोबार के दौरान सेंसेक्स 1070.63 पॉइंट यानी 10.96% टूट गया था। आज मार्च 2018 के बाद निफ्टी पहली बार 10,000 के नीचे गया है। सेंसेक्स में 1,106 कंपनियों के शेयर एक साल के निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। NSE में 783 कंपनियों के शेयर एक साल के निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। बाजार के जानकार मानते हैं कि आने वाले दिनों में बाजार में उथल पुथल रह सकती है। क्या अगर हालात सही नहीं हुए कोरोना वायरस के वजह से तो शेयर मार्केट के और बुरे हाल हो सकते हैं? अब वो आने वाले दिनों ही बताएंगे, क्योंकि काफ़ी सारा ग्लोबल इफेक्ट से भी जुड़ा हुआ है। यहाँ बहुत बड़े पैमाने पे FPI FII का इन्वेस्टमेंट है और कुछ दिनों से FII FPI लगातार सेल ऑफ ही कर रहे हैं। तो अब वो सेल ऑफ कब कम होगा वो कुछ बोल नहीं सकते। ग्लोबल फिनोमिना बड़ा है डोमेस्टिक से। बाजार में इस गिरावट से निवेशकों के 11 लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं। BSE के सभी सेक्टोरियल इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए हैं। आज सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयरों में BPCL, UPL, SBI, वेदांता और यस बैंक रहे। वायरस से जितने लोग मरेंगे नहीं उससे ज्यादा लोग बैंकरप्ट होंगे, क्योंकि इससे आर्थिक व्यवस्था में काफी बड़ा बदलाव हो रहा है। और ये हो सकता है कि अगर ये बदलाव जारी रहा, अगर ये इसका कहर जारी रहा तो इसका काफी लंबा असर होगा। बहुत सारी चीजों में फंडामेंटल बदलाव आ सकता है। इस साल सेंसेक्स करीब 9000 पॉइंट गिर चुका है। ऐसे में बाजार में गिरावट कितनी और गहरा सकती है इसका जवाब किसी के पास नहीं, लेकिन इस वक्त सभी की सलाह है कि बाजार में खरीदारी से बचें और मौके का इंतजार करें।